देखो सर, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए पहले हम क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं। भाई हमारे पास क्या है, ये है साइन थीटा और ये साइन थीटा 1/2 लिखा हुआ है। देखो जहां भी इज इक्वल टू लग जाएगा वो इक्वेशन हो जाएगा। इक्वेशन का मतलब ही है स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी कि भाई कोई चीज लेफ्ट हैंड साइड समथिंग इक्वल टू राइट हैंड साइड, वन थिंग इज इक्वल टू अनदर थिंग, तो जहां भी इज इक्वल टू है वो इक्वेशन है। अब हमसे कहता है सॉल्व द इक्वेशन, तो अगर यहीं पे लिख दे कि भाई सॉल्व करिए तो इक्वेशन में हमेशा वेरिएबल होंगे, तो जब भी सॉल्व करने के लिए कहता है तो इसका मतलब वेरिएबल फाइंड करिए। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो साइन नहीं है, ध्यान रखना साइन तो एक पर्टिकुलर नाम है, यहाँ वेरिएबल है थीटा। तो जब आपसे कहता है अच्छा इसमें साइन यूज हो रहा है, साइन इज अ सिंबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाता है, और आपसे कहता है इसको सॉल्व करिए, तो आपसे कहा जा रहा है थीटा को सॉल्व करिए। और जो 10th लेवल पे अब तक आपने सीखा है तो आपने किया भी था कि भाई साइन थीटा 1/2 जो होता है वो 30 के लिए होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30। रेशियो अगर सेम है तो फिर एंगल को कंपेयर कर सकते हैं, तो हम कहते थे कि थीटा हमारा 30 होगा। तो अगर ये हमारा थीटा 30 होगा तो इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन कि भाई इस इक्वेशन का वेरिएबल की जो वैल्यू आई है वो 30 आई है। यहाँ तक बात सबको सही है या नहीं है? यस लेकिन अब थोड़ा सा आप 11th में आ जाओ, आपको पता है कि सर साइन 30 जो होता है सर वो तो साइन 180 माइनस, ठीक है, 30 भी होता है। क्यों भाई, साइन 30 को 180 माइनस 30 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? सर तो साइन 180 माइनस 30 तो साइन 150 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब थीटा जो है सर 150 भी हो सकता है। कोई बच्चा कह सकता है कि सर साइन थीटा 1/2 सिर्फ साइन 30 नहीं होता, साइन 150 भी होता है, तो आप कह सकते हो थीटा 150 भी है, ठीक है। लेकिन कोई बच्चा जो है अगर थोड़ा सा और ज्यादा सोचेगा, साइन 30 को साइन 360 प्लस 30 भी लिख सकता है, 360 प्लस 30, 360 प्लस 30 चेंज तो होगा नहीं, साइन 30 रहेगा, क्वाड्रेंट फर्स्ट है पॉजिटिव रहेगा, बट ये हो जाएगा साइन 390। तो अगर 390 होगा तो कोई बच्चा कह सकता है कि सर 390 की वैल्यू भी 1/2 होती है। लेकिन इसी तरह से अगर आप चेक करेंगे साइन 360 प्लस 150 तो ये हो गया 510, ठीक है सर, तो ये वैल्यू भी 1/2 होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर साइन थीटा 1/2 है तो थीटा हो सकता है 30 हो, थीटा हो सकता है 150 हो, थीटा हो सकता है 390 हो, थीटा हो सकता है 510 एंड सो ऑन। प्लस में भी हो सकती हैं वैल्यूज, माइनस में भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये इतने सारे वैल्यूज आ सकते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू इन बिटवीन 0 to 360 होती है तो हम उसे कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा एक वैल्यू बता दें, ऐसी वो बता दें जो इन 30, 150, 390, 510 सबको शो करे, तो उसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। जैसे मैं लिख दूं कि थीटा इज इक्वल टू, ठीक है भाई, थीटा इज इक्वल टू 180 n प्लस माइनस 1 की पावर n 30, मैंने ये लिख दिया सपोज करो। सबको नजर आ रहा है, सुनाई दे रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं। यस हाँ भाई, सबके सब थोड़ा सा जागते हुए सुन लीजिए, 5-10 मिनट सुन लीजिए, ज्यादा भी नहीं। तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया थीटा इज इक्वल टू 180 n, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया सब बताऊंगा, पहले सुन लीजिए बस। थीटा इज 180 एन प्लस माइनस 1 की पावर n 30, और n जो है बेटे यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर मतलब आप प्लस में रख दो माइनस में रख दो, जैसा मैंने कहा ना कि थीटा माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, 1/2 बहुत सारे एंगल्स की वैल्यू आ सकती है। तो n इज माई इंटीजर, इंटीजर का मतलब क्या है, अब आप कुछ खुद कोशिश करके देखो कि
अगर मैं एन को जीरो मान लू तो यहाँ से आपका थीटा कितना आएगा, कोई बच्चा बताएगा मुझे? एन को आपने जीरो लिया तो 180 इंटू जीरो क्या हो जाएगा? जीरो. और माइनस वन की पावर जीरो क्या हो जाएगा? वन. तो इसका मतलब थीटा कितना बचेगा? 30. अच्छा, एन को वन रख के देखना जरा क्या होगा. अगर एन को वन रखोगे तो 180 इंटू वन 180 हो जाएगा, माइनस वन की पावर वन माइनस हो जाएगा, और 180 में से 30 माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई? 150. तो थीटा आपका 150 आ गया. अच्छा, एन की जगह 2 रखो जरा. अगर एन की जगह 2 रखोगे तो 180 इंटू 2 कितना होता है? 360. माइनस वन की पावर 2 प्लस हो जाएगा. 360 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 390. अगर एन की जगह 3 रखो जरा तो 183 जा कितना होता है? 540. माइनस वन की पावर 3 नेगेटिव. मतलब एक्चुअली हो क्या रहा है, माइनस वन की पावर एन का सिर्फ इतना सा मतलब है, जब पावर ऑड होगी तो 30 माइनस होगा और जब पावर इवन होगी तो प्लस होगा. तो 540 में से 30 माइनस करो तो थीटा कितना आ गया? 510. तो आप खुद बताओ, क्या ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये जो मैंने फॉर्मूला लिख दिया 180 n कहां से आया अभी सोचेंगे, क्या ये इन सब वैल्यूज को शो कर रहा है? यस सर. n रखते जाओ और वैल्यू निकालते जाओ. यस सर. नो. यस सर. ये ऐसे हो गया जैसा एपी में हमने nth टर्म निकाला था. क्या निकाला yes, था sir. जनरल टर्म ना कह के जनरल सॉल्यूशन कहते हैं. एपी में जनरल टर्म कहते थे तो यहाँ क्या कहते हैं इसको? जनरल सॉल्यूशन. ये हमारे पास है, बस इतना सा करना है. आप सब बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ इतना सा ही करना है. आपसे कह देगा सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो, या आपसे कह देगा जनरल सॉल्यूशन निकालो. तो एक सॉल्यूशन सीख लो मेरे से, आ जा नेक्स्ट दूसरे उसमें देखेंगे. मान लीजिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप सब बच्चे देख लो. मैंने आपसे कहा कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 और आपसे कह रहा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालिए. ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू होती है वो आपको सोचना है. मतलब 1/2 अभी देखेंगे, माइनस में भी हो सकता था कि भाई 1/2 तो 30 के लिए होता है. तो ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया. साइन थीटा इज 1/2, दैट इज 4 sin 30. अब आपको सोचना है कि ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू प्लस में है या माइनस में? हाँ भाई, 1/2 प्लस में दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है? प्लस में दिया हुआ है. ठीक है, अब आप सोचो साइन प्लस में कहाँ कहाँ होता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. ये बुक में नहीं मिलेगा, कहीं भी ध्यान रखना. सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड में और फर्स्ट में, है ना भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव और सेकंड में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव. तो ध्यान से देख लो आप सब बच्चे, अगर फर्स्ट है तो थीटा लिखना है. किसने बोला फर्स्ट है तो थीटा लिखना है? अगर सेकंड है तो 180 माइनस थीटा लिखना है. अगर थर्ड है तो 180 प्लस थीटा लिखना है. और अगर फोर्थ है तो 360 माइनस थीटा लिखना है. ये सबको लिखना है. ध्यान से देखो मैं क्या कहा. मैंने आपसे कहा कि ये पॉजिटिव है, साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकेंड. तो इसका मतलब एक तो इसको फर्स्ट में रखना है, तो फर्स्ट में रखने के लिए थीटा को थीटा ही रखेंगे, और सेकंड में करने के लिए 180 माइनस थीटा लिखेंगे. तो साइन 30 ही रहेगा और 180 माइनस 30 150 हो जाएगा. अभी दोबारा से करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा. तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 एंड 150. तो ये हमारा कहलाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन. दोबारा से देखो तब समझ में आएगा. मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास tan थीटा जो है माइनस वन दिया हुआ है और आपसे कह रहा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ. तो आप सीधा सीधा वन देखो, tan में वन कब होता है? कौन बताएगा tan में कब होता है? किस एंगल के लिए होता है? tan 45 के लिए होता है. तो आप सीधा tan 45 लिख दो प्लस माइनस सोचे बगैर. तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 1 tan 45 के लिए होता है. अब आप दूसरा पार्ट सोचो कि यहाँ ये नेगेटिव दिया हुआ है आपको या पॉजिटिव दिया हुआ है? नेगेटिव. नेगेटिव दिया हुआ है. टेन बताओ नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में है? टेन थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ. यस और नो? यस और नो? यस सर. तो सेकंड में करने के लिए मैंने क्या बताया है, पहले में थीटा
दूसरे में 180 माइनस थीटा, तीसरे में 180 प्लस थीटा और फोर्थ में 360 माइनस थीटा मैंने बताया। इसका मतलब मुझे सेकंड में करना है, तो सेकंड में करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा टेन 180 माइनस थीटा, माइनस थीटा यहाँ 45 है ध्यान रखना, थीटा इज 45, और फोर्थ में करने के लिए मुझे 360 माइनस 45 करना है। ठीक है सर, 180 माइनस 45 क्या हो जाएगा बेटे, 135, और 360 माइनस 45 कितना हो जाएगा 315। तो यही हमारे आंसर हैं बस। तो आपका थीटा हो जाएगा 135 एंड 315। आपकी बुक में सारे क्वेश्चंस पाई में दिए होंगे रेडियन में, अभी फिलहाल सिर्फ हम सीख रहे हैं रेडियन में, तो अपना आप कर लेंगे। कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत या नहीं? दोबारा से देखो, अब आप मुझे बताओ, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास कोसेक दिया हुआ है, कोसेक थीटा इज माइनस टू, थीटा निकालो सब बच्चे, कोशिश करो, दो मिनट पहले खुद कोशिश करो फिर मैं करूँगा। ठीक है भाई, माइनस माइनस को भूल जाओ, माइनस को ध्यान में रखना ही नहीं, आपको जो टू ध्यान में रखना है, तो भाई कोसेक 30 के लिए होता है। अब आपको सोचना है कि कोसेक नेगेटिव कब होता है। ठीक है सर, तो कोसेक थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। बस तो थर्ड के लिए मैंने आपको क्या बताया है, थर्ड के लिए मैंने बताया है 180 प्लस 180 प्लस थीटा, थीटा यहाँ 30 है बेटा, एंड फोर्थ के लिए मैंने आपको बताया है 360 माइनस थीटा, तो 180 प्लस 30 क्या हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये मेरे पास है, तो आपके पास थीटा आ गया सीधा सीधा सा, तो थीटा आपके पास आ गया 210 एंड 330। कुछ समझ में आई बात? यस सर, यस सर। बस इतना ही करना है आप लोगों को।